कोटा में स्वामी विवेकानंद की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। शहर के कई हिस्सों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हुए, साथ ही विचार गोष्ठी भी संपन्न हुई। नयापुरा चौराहे पर भी स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का दुग्ध से अभिषेक किया गया। केंद्रीय मंत्री महेंद्रनाथ पांडे के नेतृत्व में विवेकानंद की प्रतिमा का दूध से अभिषेक किया और बाद में माल्यार्पण किया गया। इस दौरान विधायक संदीप शर्मा, प्रदेश मंत्री छगन माहूर, शहर और देहात अध्यक्ष सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। मीडिया से बातचीत में केंद्रीय मंत्री महेंद्रनाथ पांडे ने कहा कि आज के समय में स्वामी विवेकानंद के विचारों को आत्मसात करने की जरूरत है। महेंद्रनाथ पांडे ने नागरिकता कानून के पक्ष में बोलते हुए कहा कि देश की जनता नरेंद्र मोदी और अमित शाह के निर्णय के साथ है। विपक्ष हताशा में है, मुद्दा विहीन है, इसलिए ऐसे कृत्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि जो लोग इससे लाभान्वित होने वाले हैं उनमें बड़ी संख्या में राजस्थान के लोगों की है। आज स्वामी विवेकानंद जी की 197वीं जयंती 157 पर हम सब लोगों ने यहाँ पर उनका कोटा युवा मोर्चा और भाजपा को धन्यवाद है कि उन लोगों ने बड़ा विधिवत कार्यक्रम किया, दुग्ध स्नान करा करके उनका एक तरह से विशेष अभिषेक किया गया। और विवेकानंद आज देश और दुनिया में भारत की जो संस्कृति है, भारत के जो संस्कार हैं और ख़ासकर युवाओं के लिए वो प्रेरणा स्रोत रहे हैं। और हमारे आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, दुनिया के यशस्वी नेता स्वयं विवेकानंद जी को अपना आदर्श मान करके अनेक अपने निर्णय लेते हैं। आज का दिन हमारे लिए और सौभाग्य का दिन है कि स्वयं कल रात्रि प्रवास के साथ विवेकानंद जी के वेल्लूर मठ में आदरणीय मोदी जी वह स्वयं श्रद्धानत होकर के उनसे और भविष्य की प्रेरणा लेने के उपक्रम में लगे हैं। स्थान में तो चीज़ें बहुत समझ में आनी चाहिए, क्योंकि राजस्थान में जो लोग इससे लाभान्वित होने वाले उनकी बहुत बड़ी संख्या राजस्थान में, और मेरे समझ में आ रहा है कि उस विपक्ष को महात्मा गांधी के 1947 की बात क्यों नहीं याद आती, नेहरू लियाकत समझौते की बात क्यों नहीं याद आती, स्वयं मनमोहन सिंह द्वारा संसद में 2003 में किया गया वक्तव्य क्यों नहीं याद आता।